आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन के बारे में। इंडाइजेशन अर्थात अजीर्ण, अपच। योग एक सार्वभौमिक सत्य है। सदियों से, या कहें फिर युगों से, वेदों में, पुराणों में, श्रीमद् भगवद गीता जी में, दर्शनों में, सब में योग का वर्णन होते आया है। भारतीय दर्शनों में योग का सर्वाधिक महत्व है। योग इतना सार्वभौमिक, इतना विस्तृत विषय है कि 6 दर्शनों में से एक विषय सिर्फ एक योग दर्शन पर आधारित है। वर्तमान युग में देखा जाए तो यह समस्या वृद्धों में, युवाओं में, बालकों में, सब में पाई जा रही है। इसका सबसे मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल। व्यक्ति की जब जीवन शैली ठीक नहीं होती तो उसे व्याधियां घेरना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति की समझ से बाहर हो जाता है कि वह इन रोगों से कैसे उभरे। योग एक ऐसी जीवन शैली है, एक ऐसी विधा है जिसे जीवनदायिनी कहा जाता है। इंडाइजेशन के मुख्य कारणों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, आपका समय से न सोना, समय से न जगना, समय पे न खाना, रात को विलंब से सोना, सुबह देर में जगना, या फिर आपका स्ट्रेस लेना, अधिक खाना, कम खाना, ये सब चीज़ें आपको इंडाइजेशन का शिकार बनाती हैं। तो आइए अब जानते हैं क्या है इसके उपाय। हम सबसे पहले प्राणायाम के विषय में जानेंगे कि इंडाइजेशन के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। इंडाइजेशन में आसन के साथ प्राणायाम करें तो अधिक लाभ होता है। जैसे कि हम सबसे पहले करेंगे मंडूकासन। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, दोनों पैरों को घुमा के वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके अपने नाभि के आसपास रख के लंबी श्वास लीजिए, श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचकर सामने झुक जाएंगे। मंडूकासन के साथ साथ कपालभाति करने से आपके पेट पर जोर पड़ता है। आपका आमाशय, उसकी आसपास की नसें, मसल्स, उनका संकुचन होता है। उनका संकुचन होने से वह स्वस्थ होती हैं। आंतों पर दबाव पड़ने से, अर्थात आकुंचन होने से, आपकी आंतों की स्वाभाविक एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे आपकी आंतें स्वस्थ रहती हैं। मंडूकासन के साथ साथ कपालभाति करने से इसमें अधिक लाभ होता है। अब इसके बाद हम करेंगे योग मुद्रासन। फिर से दंडासन में आ जाएंगे, कमर सीधी रखेंगे, हाथ पार्श्व भागों में। हम योग मुद्रासन के लिए सबसे पहले हम पद्मासन लगाएंगे, एक पैर को उठा के दूसरी जगह पे, दूसरे पैर को उठा के दूसरी जगह पे। दोनों हाथों को, बाई हथेली नीचे, दाई हथेली उसके ऊपर, दोनों को रखेंगे पेट पर और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाएंगे। इस आसन को भी कपालभाति के साथ करने से अधिक लाभ होता है। इंडाइजेशन में लगभग 5 मिनट तक या फिर 5 से 10 मिनट तक लगातार करने से यह इंस्टेंट बेनिफिट देता है। यदि शरीर में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आप ठोड़ी को जमीन तक लगाने की कोशिश करें। और इंडाइजेशन के मुख्य कारणों में से एक आता है स्ट्रेस लेना। व्यक्ति जब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव लेना शुरू करता है, छोटी छोटी चीज़ों पे उसे तनाव होना शुरू हो जाता है। तनाव होने से उसके मस्तिष्क की जो नसें हैं उन पे स्ट्रेस पड़ने लगता है। आपका मस्तिष्क थका होगा तो वह आपके पेट से सीधा संबंधित है, आपको इंडाइजेशन की समस्या आएगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपका मस्तिष्क शांत रहेगा, आपके शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी और आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा। तो आइए एक बार जानते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करेंगे। अपने हाथों में वायु मुद्रा लगाएं, तर्जनी अंगुली को अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाकर
बाकी सब उंगलियां खुली रहेंगी। अपनी दाई नासिका पे मींस राइट नोस्टल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्टल से लंबी गहरी श्वास लेंगे। फिर अपने लेफ्ट नोस्टल को क्लोज करते हुए राइट नोस्टल से एक्सहेल करेंगे। फिर इसी तरफ से फिर से इनहेल, फिर लेफ्ट साइड से एक्सहेल। इसी तरह आप इसे लगभग 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। अब ये थी प्राणायाम की बात, अब आते हैं आसनों पे। किन किन आसनों से इंडाइजेशन में लाभ मिलता है तथा वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। हम बिना प्राणायाम के अब आसन करेंगे। सबसे पहले हम फिर से मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए फिर से दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन से पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में दोनों हाथों को पहले की तरह ही मुष्टिबद्ध करके अर्थात मुट्ठियां बंद करके नाभि के आसपास रख के श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाएंगे। इसमें बिना प्राणायाम के यदि मंडूकासन किया जाता है तो श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच के श्वास को थोड़ी देर होल्ड करना है। इससे आपका पेट का अच्छी तरह से आकुंचन संकुचन अर्थात आपके पेट की एक्सरसाइज अच्छे से होती है। पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की एक्सरसाइज होती है, उन सब की मसाज होती है। जैसे आप देखते हैं कि मशीनों पर जब तेल लगाया जाता है तो मशीनें अच्छे से कार्य करती हैं, उसी तरह जब हमारे शरीर के अंगों की भी एक्सरसाइज होती है, उसे मसाज मिलती है, तो वह भी सुचारू रूप से कार्य करते हैं। मंडूकासन से धीरे धीरे वापस आते हुए आइए अब हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए पुनः जाएंगे हम दंडासन में। दंडासन से लगाएंगे हम पद्मासन। दोनों पैरों को बारी बारी से जंघों पर रखते हुए पद्मासन। पद्मासन में दोनों हाथ पेट पर रखते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाएंगे। इसमें भी श्वास की प्रक्रिया वही रहेगी कि आप श्वास बाहर छोड़ के थोड़ी देर होल्ड करेंगे।